आज का नुस्खा, कमाल का नुस्खा है। ये वो नुस्खा है जिसके ज़रिए से आप अगर चाहे पहाड़ों को हिला सकते हैं। कमाल का नुस्खा, सुपर पावर नुस्खा। लेकिन वो शर्त याद रखिएगा, मैंने क्या कहा, शर्त ये है कि आप जो है ना गुनाह पे कंट्रोल करें। मैं आपको एक मिसाल दूँ, पहले एक कमाल की मिसाल। एक आदमी बहुत मोटा हो गया है, बहुत मोटा हो गया है। उसे अब एहसास हुआ कि भाई मैंने वज़न गिराना है। किसी से उसने पूछ लिया कि भाई मैं वज़न गिराऊं तो क्या करूं? तो किसी ने उसे कहा पहला काम ये करो कि रोज़ाना 1 घंटा जॉगिंग करो, दौड़ो, एक्सरसाइज करो। अब ये बेचारा रोज़ाना 1 घंटा दौड़ता तो है, मगर दौड़ने के बाद जब दौड़ के घर वापस आता है मक्खन भी खाता है, पराठा भी खाता है, नहारी भी खाता है, पाए भी खाता है। सच सच बताओ, इसका वज़न कम होगा या ऊपर होगा? इसका वज़न ऊपर होगा। अब ये 6 महीने तक रोज़ाना 1 घंटा दौड़ रहा है, रोज़ाना 1 घंटा दौड़ता है, फिर आके नहारी और पाए शाय खाता है। वज़न बढ़ा और आके फिर गिला करने लगा, भाई आपने तो कहा था कि हर रोज़ दौड़ोगे तो हमारा वज़न कम होगा, मगर हमारा वज़न तो बढ़ गया। तो लोग पूछेंगे भाई दौड़ने के अलावा और क्या करते थे? जब कहेगा नहारी भी खाता था, पाए भी खाता था, पराठे भी खाता था, तो हर आदमी यही कहेगा वज़न गिराने के लिए तुम्हें दौड़ने के साथ, एक्सरसाइज के साथ खाने पर भी कंट्रोल करना है। और इंशाल्लाह इस पे अमल कीजिए। इसी तरह अहले बैत के नुस्खे नामुमकिन को मुमकिन करते हैं, मगर शर्त है नुस्खे के साथ गुनाह पे कंट्रोल करो। अगर आप 1000 दिन तक भी नुस्खों पे अमल करेंगे और साथ में गुनाह करेंगे तो कोई असर नहीं होगा। कल मैंने 7 दिन का नुस्खा बताया। कोयटा के एक मोमिन ने तजुर्बा किया, उन्हें कैंसर थी, 7 दिन में वो ठीक हो गए। 7 दिन का, मौलाना का 7 दिन का नुस्खा है। मगर जब ज़बान से गीबत हो, जब आंखों से नामहरम को देखें, जब कानों से गाने सुने, गीबतें सुने, तोहमतें सुने, फितने सुने, जब खुद फितने कराएं, तो फिर आप देखिए बाज़ को 40 दिन में, बाज़ को 1 साल में, बाज़ को 10-10 साल शायद लग जाए, मगर नतीजा न मिले। कल दुआ कुमेल हमने पढ़ी थी, एक जुमला था, खुदाया मेरे उन गुनाहों को बख्श दे जिनकी वजह से दुआएं जेल में चली जाती हैं। कभी हम गुनाह करते हैं, हमारे गुनाह की वजह से अल्लाह दुआ कबूल करना चाहता है, मगर गुनाह की वजह से दुआ जेल में चली जाती है। तो खुदारा गुनाह से बचिए, फिर देखिए अहले बैत के नुस्खे कितने पावरफुल हैं। अब आज वो नुस्खा सुनाना है जो पहाड़ों को हिलाने के लिए काफ़ी है। यानी अगर आप चाहें इससे पहाड़ हिला सकें। यानी क्या, अब कल पहाड़ के सामने न जाइएगा, पहाड़ हिल क्यों नहीं रहा। हाँ भाई, ये पहाड़ों को हिलाने की 2 बातें हैं। एक तो आप खुद को पाक करें तो पहाड़ हिला भी सकेंगे, लेकिन दूसरी बात यानी इतना सुपर पावर है कि आप इससे बड़े बड़े काम कर सकते हैं। और ये नुस्खा मैंने कराची में अभी अय्याम फातिमिया में एक जगह पे कहा 40 दिन तक इसमें अमल करें, कोशिश करें 1 साल तक अमल करें, कम से कम 40 दिन। फिर मैं पढ़ के वापस मस्जिद गया। अब जैसे मैंने कहा था जब आप पाक हों, गुनाह न करें, तो आपको जल्दी जवाब मिलता है। एक लड़के ने मुझे फ़ोन किया, जवान लड़का था, उसने कहा मौलाना आपने जो नुस्खा बताया था ना, हमने सिर्फ 3 दिन अभी अमल किया इस पर, हमारी मुश्किल ख़त्म हो गई। यानी इतना पावरफुल नुस्खा है, इतना सुपर पावर नुस्खा है। लेकिन इस पे इंशाल्लाह कोशिश कीजिएगा कम से कम 40 दिन अमल करें, कम से कम 40 दिन अमल करें। और जो भी आपकी, लेकिन वो याद रखिएगा, मोटे वाली मिसाल याद रखिएगा कि भाई मोटा इंसान जब वज़न गिराता है, साथ में गुनाह पर भी कंट्रोल करना ज़रूरी है एक्सरसाइज के। इसी तरह इन आमाल से अगर आप फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं तो साथ में गुनाह पर कंट्रोल ज़रूरी है। और इंशाल्लाह जब इस नुस्खे पे आप अमल करें ना, हाजतें तो आपकी बहुत होंगी। यकीनन हर इंसान की ज़िंदगी में कई हाजतें हैं, हाजतें तो बहुत होंगी। जब भी इस नुस्खे पे अमल करें ना, पहले अपनी हाजतें न मांगिएगा, पहले अपने लिए दुआ न कीजिएगा। जब इस पर अमल करें ना इंशाल्लाह, सबसे पहले हाथों को बुलंद करके आंखों से आंसू बहाते हुए ये दुआ ज़रूर मांगिएगा, खुदाया यूसुफ जहरा का जल ज़ुहूर फरमा। ये ज़रूर कोशिश कीजिएगा। जब भी हाजत हो ना, जब भी दुआ हो, जब भी कुछ अल्लाह से फ़कीरी करनी हो, जब भी अल्लाह से कुछ मांगना हो ना, तो अपने लिए बाद में मांगना, पहले इमाम ज़माना के ज़ुहूर की दुआ करना कि खुदाया उसे भेज दे जो सालों से रो रो के दुआ कर रहा है कि खुदा मुझे भेज दे। खुदाया उसे भेज दे जो तड़प तड़प के दुआ कर रहा है, खुदाया मुझे आने तो दे, मैं उन जालिमों के हाथों को तोड़ दूंगा जिन्होंने अम्मा जहरा के ऊपर आग का दरवाज़ा गिराया। इमाम के ज़ुहूर की ज़रूर दुआ कीजिए, इमाम ज़माना के ज़ुहूर के लिए ज़रूर दुआ कीजिए। और वो नुस्खा क्या है, कमाल का नुस्खा ये है, हर नमाज के बाद, नमाज फजर के बाद, नमाज ज़ुहर के बाद, नमाज असर के बाद, नमाज मगरिब के बाद, नमाज इशा के बाद, फजर ज़ुहर असर मगरिब इशा 5 नमाज़ों के बाद हर नमाज के बाद एक मरतबा दुआए तवस्सुल पढ़ना। जब बचपन से आप सिर्फ मंगल को पढ़ते आए हैं, दुआए तवस्सुल क्या है, 14 मासूमीन से फ़कीरी, ए मेरे रसूल, ए मेरे मौला अली, खुदाया तुझे अली का वास्ता, ए मेरी बीवी जहरा, खुदाया तुझे बीवी जहरा का वास्ता, हमारी मुश्किल को ख़त्म कर दे।